हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनश और आप देख रहे हैं हम सबको यूट्यूब चैनल ZepTech। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि दोस्तों आपको किस तरीके से अपने स्नैपचैट ऐप के अंदर अपने अकाउंट का जो यूजर नेम है उसको किस तरीके से दोस्तों यहां पर चेंज करना है। दोस्तों यहां पर कई बार ऐसा होता है कि जब आप अपने स्नैपचैट के अंदर अपने अकाउंट को क्रिएट करते हो तो वहां पर जो आपका यूजर नेम है वो ऑटोमेटिक यहां पर स्नैपचैट जो बना देता है, तो यहां पर वो देखने में अच्छा नहीं लगता। या कई बार ऐसा होता है कि आप अपने मनपसंद का यूजर नेम उसमें सेट करना चाहो, बट यहाँ पर दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि स्नैपचैट में अभी तक कोई भी ऐसी जो फीचर और कोई भी ऐसी सेटिंग नहीं दी गई है जिसमें आप अपने जो यूजर नेम है उसको अपने मनपसंद का चेंज कर सको। बट यहाँ पर दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को जो ट्रिक बताने वाला हूँ, अगर आप उसका यूज करते हो तो आप इजिली स्नैपचैट के अंदर अपने यूजर नेम को अपने मनपसंद जैसा आप रखना चाहें वैसा रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो में एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपकी 1 लाख से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस हमारे चैनल पर सबसे पहले देख सकें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को ले चलता हूँ अपने फोन की स्क्रीन पर, और वहां पर आपको बताता हूँ कि आपको किस तरीके से अपने स्नैपचैट ऐप में यूजर नेम को किस तरीके से चेंज करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी बकवास करते हैं आज के हमारी टैग की शुरुआत। तो फ्रेंड्स, अब आप यहां पर आ चुके हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहां पर मैं आप सभी लोगों को बताता हूं कि आपको अपने स्नैपचैट के अकाउंट को किस तरीके से यूज़र नेम को किस तरीके से चेंज करना है। तो इसके लिए आपको सिंपली जाना है अपने अकाउंट में, स्नैपचैट के अकाउंट में। आप यहां पर देख सकते हो ये मेरा यूज़र नेम है LHassan1765। तो आपको यहाँ पर इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले राइट कॉर्नर में करना है क्लिक, जो सेटिंग वाला ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करोगे आपके पास ये ऑप्शन आएगा यूज़र नेम का। तो यहाँ पर देख लीजिए, आप सोचोगे कि यहाँ पर क्लिक करने से आपका यूजर नेम चेंज हो जाएगा, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपको अपने यूजर नेम को चेंज करने के लिए थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सपोर्ट वाला, सपोर्ट में ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीड मोर हेल्प। आपको यहाँ पर सिंपली करना है क्लिक आई नीड हेल्प वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर क्लिक करिए, सर्च बार में जाइए, यहाँ पर सर्च कीजिए यूज़र नेम, यूजर नेम सर्च कीजिए, जो फर्स्ट ऑप्शन है उस पर कर दीजिए क्लिक। थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आइए, यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा मेकिंग अ न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट एंड यूज़र नेम। अब यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने यूज़र नेम को चेंज करने के लिए पहले आपको सबसे पहले इस अकाउंट को डिलीट करना पड़ेगा, फिर आपको न्यू अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा इसी मोबाइल नंबर से। जो भी आपका ये अकाउंट है इसी नंबर से आप न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और अपनी मर्जी का यूज़र नेम रख सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों एक दिक्कत वाली बात यह है कि जब आप अपने अकाउंट को डिलीट कर दोगे तो जितना भी आपके स्नैपचैट में आपके डाटा, आपका फ़ोटोज़, आपके स्नैप्स, आपके फ्रेंड्स जितने भी होंगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे परमानेंटली। तो यहाँ पर अगर दोस्तों आप अपने यूज़र नेम को चेंज करने के लिए इतना सब कुछ रिस्क लेना चाहते हो तभी इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज़ आप इस वीडियो को छोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मेरा आपको बताने का काम है। अगर मैं आपको ऐसे ही बता दूँ तो गलती से क्या पता आप अपने अकाउंट को डिलीट कर दो, फिर उसके बाद कमेंट में कहो कि भाई आपने पहले नहीं बताया। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको अपने यूज़र नेम चेंज करना है तो आपको सबसे पहले अपने इस वाले अकाउंट को डिलीट करना पड़ेगा, फिर इस वाले अकाउंट में जो नंबर, मोबाइल नंबर है या जो ईमेल है आप उसी सेम मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस से न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और अपने मन मर्जी का जो यूज़र नेम उसको रख सकते हो। तो अगर आप दोस्तों आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको सिंपली ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है डिलीट स्नैपचैट अकाउंट, इस पर कर देना है क्लिक। देन यहाँ पर आपको सिंपली करना है अकाउंट पोर्टल पर क्लिक, मैं कर देता हूँ यहाँ पर अकाउंट पोर्टल पर क्लिक। यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे यूज़र नेम ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, और यहाँ पर जो आपका पासवर्ड है उसको डाल दीजिए। तो यहाँ से मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ, कंटिन्यू पर करूँगा क्लिक, यहाँ पर सॉरी फिर से डालता हूँ मैं, ठीक है अनस, जो मेरा पासवर्ड है वो मैंने डाला। यार पासवर्ड गलत क्यों बता रहा है, ठीक है पासवर्ड मैंने यहाँ पर डाला। नेक्स्ट पर करूँगा क्लिक, यहाँ पर देख लीजिए अकाउंट डीएक्टिवेटेड, यानी कि दोस्तों आपका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट यानी कि दोस्तों डिलीट कर दिया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अगर आप अपना अकाउंट डिलीट करो या दोस्तों ये जो करो तो आपको 30 दिनों के अंदर फिर से स्नैपचैट में लॉगिन करना है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ लाइव कि आपको किस तरीके से न्यू अकाउंट को करना है क्लिक। यहाँ पर आ जाओगे, यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना है, ये देखिए ऑटोमेटिक ये लॉग आउट हो गया। अब आपको सिंपली करना है साइनअप पर क्लिक, फर्स्ट नेम में आप, मैं यहाँ पर आपको ऐसे ही लिख कर दिखा देता हूँ, फर्स्ट नेम में आपको सिंपली करना है क्लिक, डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी हो वो आप रख लीजिए, यूज़र नेम अब यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो अपनी मर्ज़ी का, ठीक है मैं यहाँ पर जैसे रख देता हूँ, मेरा मन मर्ज़ी का यूज़र नेम ये है, मैं इस यूज़र नेम को रखना चाहता हूँ, तो आपको सिंपली इसको डाल देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाला, कंटिन्यू पर करूँगा क्लिक, पासवर्ड जो मैं डालना चाहता हूँ वो पासवर्ड डालूँगा, और यहाँ पर जो है पासवर्ड दोस्तों मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है पासवर्ड भी डाल दिया मैंने यहाँ पर, और अब यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए ये वही नंबर है दोस्तों जो मेरा, जिससे मेरा पिछला अकाउंट बना हुआ था, तो मैं सिंपली करूँगा यहाँ पर क्लिक, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, ओटीपी मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेगा,
एक से दो सेकंड के अंदर देखिए ऑटोमेटिक मेरा जो ओटीपी है वो यहाँ पर इसने ले लिया। कंटिन्यू पर करूँगा क्लिक, कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक करूँगा स्किप पर करूँगा क्लिक, यस पर करूँगा क्लिक, देन आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा यूज़र नेम है वो यहाँ पर हो चुका है चेंज और यहाँ पर मैंने अपनी मन मर्जी का यूज़र नेम इसके अंदर रख लिया। तो आप इस तरीके से जो है अपने यूज़र नेम को चेंज कर सकते हो, आप न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हो सेम मोबाइल नंबर से सेम ईमेल आईडी से। आपको पहले अपने अकाउंट को डिलीट करना पड़ेगा और यहाँ पर जो अपने अकाउंट को जो वो डिलीट करोगे तो आपका सारा डाटा जितने भी चैट्स होंगे जितने भी फ्रेंड्स होंगे वो सारे गायब हो जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है, वैसे पहले काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे बट यहाँ पर अभी कोई फ्रेंड नहीं है, कोई फोटो नहीं है। तो अगर आप ये रिस्क लेना चाहो तो आप कर सकते हो इस तरीके से। मेरा काम था मैं आपको बताना तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो का एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस हमारे चैनल पर सबसे पहले देख सकें। और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में और इंस्टाग्राम पर जरूर बताना, इंस्टाग्राम आईडी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पर जो अकाउंट है वो डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस नहीं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।